अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हबीबा जमाल और आज मैं कोट कैंट आई हूँ और आप सबको व्लॉग में दिखाऊंगी कि यहाँ कौन से शॉप्स वगैरह हैं और कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। हमने एंट्री कर ली है और एंट्री से थोड़े ही आगे जाने के बाद आपको ये टैंक मिल जाए। अब हम सब सजी जा रहे हैं और ये लजीज रेस्टोरेंट का बैक साइड और यहाँ ये क्लॉक भी है सजी के बिल्कुल। अब हम सीएसटी आ गए हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक साइट था और यहाँ पे टीवी, कूलर्स, वॉशिंग मशीन, एसी, मोटर बाइक्स, फ्रिज वगैरह वगैरह चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की थी। इलेक्ट्रॉनिक के साथ ये स्टेशनरी साइट था, यहाँ पे बहुत सारे स्टेशनरी, पेन्स, पेंसिल्स, इरेजर, शॉर्पनर्स, डायरीज, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी स्टेशनरी थी, डायरीज वगैरह वगैरह। और यहाँ पे ये मेरा पाउच भी था जो मैंने ले रही हूँ। ये सब चीज़ें बर्थडे के लिए थी, आप अपने हैप्पी बर्थडे के लिए ले सकते हैं, बैलून्स, कैंडल्स वगैरह वगैरह। यहाँ स्टेशनरी साइड पे पॉपेट्स भी थे बहुत सारे और यहाँ मैंने मिनी फोल्डर भी लिया और भी बहुत सारे थे, मुझे ये पसंद आया। अब हम स्नैक्स साइट पे आ गए थे और यहाँ मैंने बहुत सारे स्नैक्स लिए, चोको बाइट्स भी लिया और यहाँ से मैंने अपने फेवरेट चोको टैंडी केक लिया और कोकोमो भी। और यहाँ मैंने बहुत सारे और स्नैक्स भी लिए, वेफर, कपकेक और बन भी लिया, शवरमा ब्रेड भी लिया जिससे मैं पिज़्ज़ा वगैरह बनाती रहती हूँ। और यहाँ मैंने मार्शमेलोज भी लिए। तो उसी के साथ अब हम ले साइड पे आए थे और यहाँ से मैंने कैरेमल पीनट पॉपकॉर्न लिया। उसी के साथ अब यहाँ स्वीट्स का साइड था, खीर वगैरह का और यहाँ पे मैंने लजीज खीर भी ली क्योंकि हम लजीज खीर घर में इस्तेमाल करते हैं और जेली ली, स्ट्रॉबेरी। यहाँ पे मसाला साइड था, बहुत सारे मसाले थे, हमने यहाँ शान बिरयानी का मसाला लिया क्योंकि हमारे घर शान बिरयानी का मसाला ही इस्तेमाल होता है। और टिक्का मसाला भी लिया और यहाँ पे दूध, डेरी क्रीम्स वगैरह पड़ी हुई थी तो हमारे घर तो मिल्क पैक ही इस्तेमाल होता है। आपके घर पे कौन सा दूध इस्तेमाल होता है? और यहाँ मिल्क पैक, डेरी क्रीम भी थी। उसी के साथ यहाँ पे जैम और हनी वगैरह रखे हुए थे। आपका कौन सा जैम फेवरेट है? मेरा तो स्ट्रॉबेरी फेवरेट है। जैम्स और हनी के साथ यहाँ केचप, मायोनीज वगैरह, रूह अफ़ज़ा, जामुशीरी रखे हुए थे। अब मेरा फेवरेट फोल्डर नूडल्स का आ गया था, नूडल्स, पास्ता, मैक्रोनीज वगैरह का। तो मैंने तो बहुत सारे नूडल्स लिए चटपटा के, सूप भी लिया, सूप के नूडल्स भी लिए, नूडल डूडल भी लिए। और ग्रीन सूप भी लिए और ग्राई भी। अब ये यहाँ पे मैक्रोनी पास्ता वगैरह थी और यहाँ मैंने टिक्का मैक्रोनी ली, मेरी फेवरेट, और सेवन स्पाइस।
और यहाँ पे कैचअप्स वगैरह थे तो यहाँ मैंने कैचअप भी लिया, नेस्टल कैचअप। उसके साथ यहाँ पे अचार वगैरह भी रखे हुए थे, सोया सॉस, चिली सॉस। तो हमने सॉसेस भी लिए क्योंकि कुकिंग के लिए सॉसेस भी ज़रूरी हैं। उसी के साथ की टॉय साइड था, यहाँ बहुत सारे टॉयज वगैरह। उसी के साथ फोल्डर में यहाँ लॉन्ड्री की चीज़ें थी, सर्फ एक्सल, एरियर एक्सप्रेस, बहुत सारे सर्फ थे। हमने तो एरियल लिया क्योंकि हमारे घर एरियल ही इस्तेमाल होता है। यहाँ डिशेस, वॉशेस वॉशेस पड़े हुए थे बहुत सारे। हमने लेमन मैक्स लिया क्योंकि हमारे घर लेमन मैक्स ही इस्तेमाल होता है। आपके घर कौन सा डिश वॉश इस्तेमाल होता है? और यहाँ पे हमने स्पॉन्ज मिली, स्कॉच ब्राइट। उसी के सामने यहाँ डिशेस साइड आ गया था, फ्राई पैन, बर्तन वगैरह, ग्लासेस, बहुत सारे बर्तन थे और बहुत ही प्यारे प्यारे थे। आप भी जाएं तो ज़रूर विज़िट करें CSG और देखें, ये वाटर बॉटल्स थी। ये लंच बॉक्सेस थे बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट। यहाँ कप्स जो थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल और डिसेंट कप्स थे, उनके कलर्स बहुत यूनिक थे। और यहाँ पे उसके साथ स्लीपर्स, कुछ कपड़े वगैरह थे। और यहाँ पे और स्लीपर्स, शूज, यहाँ पे बहुत सारे सॉप्स भी थे। उसी के साथ हमने लक्स लिया, सेफ गार्ड, बहुत सारे सॉप्स थे यहाँ पे। उसी के साथ शैम्पूज वगैरह थे, हैंड वॉश, लाइफ बॉय का हैंड वॉश लिया हमने। और शैम्पूज भी बहुत सारे कंपनीज के थे। हमने हेड एंड शोल्डर लिया। और यहाँ पे ये परफ्यूम साइट था, उसके साथ यहाँ पे बहुत सारे परफ्यूम्स थे। हमने गोल्डन पर्ल का परफ्यूम लिया। और यहाँ क्रीम्स आ गई थी पॉन्ड्स की, बहुत सारी क्रीम्स थी लेकिन हम पॉन्ड्स की इस्तेमाल करते हैं और मैं मिनी लेती हूँ हमेशा, अपने साथ बैग में रखती हूँ। और उसी के साथ यहाँ पे टूथब्रशेस, टूथपेस्ट, हमने सेंसोडाइन लिया। और यहाँ हमारा बिल हो गया था, अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। अब हम लजीज रेस्टोरेंट जा रहे हैं। यहाँ बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स भी हैं। यहाँ ग्रीनरी भी थी बहुत सारी। अब हम लजीज रेस्टोरेंट जा रहे हैं ऑर्डर देने। ऑर्डर देने के बाद अब हम आ गए हैं रॉयल आर्ट गैलरी, जहाँ बहुत प्यारी प्यारी आर्ट्स थी।
बहुत ही ब्यूटी ब्यूटीफुल आर्ट सी। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स में मुझे बताएं। और यहाँ अंकल एक दूसरी आर्ट बना रहे हैं बहुत प्यारी। अब हम फूड ड्राइव के लिए आए क्योंकि कुछ फैमिली मेम्बर्स ने लजीज रेस्टोरेंट में ऑर्डर दिया और कुछ ने फूड ड्राइव में। और ये है फूड ड्राइव का मेन्यू, ये फूड ड्राइव पिज़्ज़ा, ये भी फूड ड्राइव पिज़्ज़ा डील्स थी, ये और डील्स, ये बर्गर डील्स और ये साइड ऑर्डर्स। अब हम पिकविट मार्ट आ गए हैं। यहाँ आने के साथ ही मुझे न्यू 2X एक्सपाइसर ब्लेजर नूडल्स मिल गए हैं। तो ये एंट्री में आपको ब्रेड्स और आइसक्रीम्स फ्रीजर्स मिल जाएंगे, चॉकलेट्स जूस वगैरह वगैरह, बटर, फ्रीज आइटम्स, नगेट्स, सब्रोसो और ये मेरी फेवरेट लॉलीपॉप थी जो मैंने ली थी। और यहाँ पे बहुत सारे 2X एक्सपाइसर ब्लाजर नूडल्स थे, बहुत सारे चटपटा भी थे लेकिन न्यू नूडल्स भी बहुत सारे थे। अगर आप चाहें तो आप भी जाके ले सकते हैं। और यहाँ कुछ टॉयज़ भी हैं बच्चों के लिए। और यहाँ कुछ बर्तन भी थे। मैंने अपनी फेवरेट चॉकलेट किट कैट भी ली। आपकी कौन सी फेवरेट चॉकलेट है मुझे कमेंट्स में बताएं। और यहाँ पे काउंटर में ही कुछ बबल्स वगैरह थी। अब हम पिकेट मार्ट से जा रहे हैं। और ये सामने कैफे 9 फूड बाज़ार है। और अब हम एक स्टेशनरी शॉप पे आ गए हैं। सो सीधा जाएं तो यहाँ पे बॉटल्स लंच बॉक्सेस थे। और यहाँ कुछ स्टिकर्स थे, हेलो किटी, बेन 10, बहुत सारे ABC। और यहाँ कुछ स्टेशनरी पेंस, शॉर्पनर्स, इरेजर्स थे। और यहाँ स्लाइम भी थी। और यहाँ बहुत सारे स्लाइम्स वगैरह चीज़ें थी, स्टेशनरी पेंस, पेंसिल्स, इरेजर, शॉर्पनर्स बच्चों के लिए। और आगे भी हमें यहाँ स्कूल पाउचेस, बैग्स वगैरह, सनग्लासेस, डायरी। और यहाँ ये बैग था, कुछ डेकोरेशन की चीज़ें भी थी, बर्तन भी थे। कॉप्स वगैरह चीज़ें। और यहाँ पे ये किचन्स थे। और उसी के साथ हम एक ज्वेलरी शॉप पे आए थे। यहाँ पे बहुत प्यारी ज्वेलरी, परफ्यूम, शैम्पूज वगैरह चीज़ें थी। तो अब हम घर जा रहे हैं।
अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ। तो आप भी यहाँ विज़िट करें और एंजॉय करें, हमने तो बहुत एंजॉय किया और हमें बहुत मज़ा आया। और अगर आपको ऐसे और भी ब्लॉग्स और वीडियोस रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करें, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं और ब्लॉग्स हैं। अल्लाह हाफिज़। अब आपको मिलूँगी अपने किसी न्यू रेसिपी या व्लॉग में।